प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को और की स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे भारत का जो स्टांस रहा यूएन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जी को जब भी मैं कुछ चीज समझने की जरूरत होती है और कुछ चीजों के ऊपर कुछ राय लेनी होती है, जो कि पाकिस्तान में हमें कोई खुल के नहीं इस पे बात कर सकता, तो मैं फिर इनको इनवाइट करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर, कैसी हैं आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, जय जय श्री राम। अच्छी हूं, बहुत अच्छी हूं, और मुझे ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि आज मैं रोजे में नहीं हूं, क्योंकि मैं पीरियड्स में हूं, तो इसलिए मैं रोजे में नहीं हूं। और मैंने ये इसलिए बताया कि अभी मैं कॉफी पीऊंगी तो जितने मुसलमान है वो कहेंगे देखा देखा ये मुसलमान है ही नहीं, तो इसलिए मैंने रीजन भी बताया है, क्योंकि मुसलमानों की अकल और समझ बहुत छोटी होती है और दूसरों को टारगेट करने के लिए वो तुरंत उतावले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल ऐसे ही चले। ये देखें, इस्लाम में ये रियायत दी गई है महिला को कि वो अगर इन खसूसी अयाम में है तो वो बाद में ये रोजे कंप्लीट कर ले। अच्छा, 15 जो मार्च है उसको इस्लामोफोबिया के दिन के साथ अटैच किया गया है, और उसमें हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर भी एक वोटिंग भी हुई, डिबेट भी हुई, हमने भारतीय जो एम्बेसडर हैं उनकी वहां पर जो स्पीच भी सुनी, बहुत जबरदस्त स्पीच थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपने मुझे शेयर की थी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो इस्लामोफोबिया है एक्चुअली है क्या, इस्लाम के खिलाफ जो इतनी नफरत या इतनी बेचैनी पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है उसकी रीजन क्या है? हमने इसके वाकयात मुख्तलिफ देखे कि न्यूजीलैंड के अंदर भी एक मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया और बहुत सारे मुसलमानों को वहां पर शहीद किया गया, कनाडा के अंदर भी एक जो फैमिली खड़ी थी उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा दिया गया, इस तरह के बहुत सारे वाकयात यूरोप के अंदर भी हमें नजर आते हैं कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? लोग जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं? इस्लाम के खिलाफ ये सारा एक नफरत और ये बेचैनी क्यों पाई जाती है, इसकी रीजन क्या है, ये बताइए जी। हम पाकिस्तान में मस्जिदें क्यों तोड़ी जाती हैं, इमामबाड़े क्यों तोड़े जाते हैं? आप तो 99% है मुसलमान, रीजन क्या है? वहां पे इस्लामोफोबिया है क्या? वहां पे मुसलमान मुसलमान से घिन कर रहा है क्या? या वहां पे मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अरे सुन्नी अच्छा है, शिया खराब है, अरे देवबंद अच्छा है, बरेलवी खराब है, अरे बोरी अच्छा है, अहमदिया खराब है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर जब वो उंगली उठ करके खुद पर आती है ना, तो जवाब देने में बड़ी बड़ी नानी मरती है, बड़ी नानी मरती है। आज पाकिस्तान रमजान जैसे मुबारक महीने में भूखे मर रहा है, और आप लोगों को इस्लामोफोबिया और आपकी सरकार को CAA की पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना मतलब बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके आप पाकिस्तान नाच कैसे लेता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर को पहले सुकून में लाना चाहता है, उसके बाद फिर वो बाहर निकल करके काम करना चाहता है और बाहर के एनवायरमेंट को बेटर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान खुद मरा पड़ रहा है, खुद कब्रिस्तान बनने के कगार पे है, पर उसको चिंता है कि भारत में CAA क्यों हुआ, भारत में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुआ, अरब में इतनी बड़ी भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई, अरे अरब वाले मोदी जी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, अरे चाइना ने मोदी जी की तारीफ क्यों कर दी। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की मुसलमानों की बहुत पुरानी आदत है, और मुसलमान हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के हर एक देशों में रहते हैं ताकि वो इस्लाम का प्रचार कर सके, ताकि वो इस्लाम की दावत दे सके, ताकि वो क्रिश्चियन कंट्रीज में जाकर के क्रिश्चियन को जितने भी ईसाई हैं उनको मुसलमान बना सके, हिंदू कंट्रीज में रहते हैं ताकि वो हिंदुओं को काफिर बोल करके उनको कन्विंस कर करके उनको इस्लाम में एंटर करवा सके, वो यहूदियों के देश में जाते हैं वो वहां भी वही करते हैं कि भाई तुम इस्लाम में आ जाओ।
तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके इसी इसी कोशिश में लगे होते हैं कि बस कैसे भी इस्लाम का प्रचार करते रहे, और ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो दिन पहले की बात है, 48 घंटे ही पहले की बात है कि ऋषि सोनक जी ने भी कह दिया कि मुल्लाओं की एंट्री मेरे देश में नहीं होगी, नहीं होगी। अरब ने पाकिस्तानियों को कह दिया है कि तुम्हारी एंट्री अरब में नहीं होगी, हम नहीं आने देंगे। तो मुसलमान भी तो मतलब भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों से अरब भी तो घिन कर रहा है, वो भी कह रहा है कि भैया तुम आओगे कुछ ना कुछ चिंगारी फोड़ोगे, तुम यहाँ पर शांति से ना रहने दोगे और ना ही तुम्हारे अंदर शांति और शांति वाली कोई चीज है। लेकिन कहते हैं मुसलमान खुद को कि बहुत शांति पसंद, उनको बहुत शांति पसंद है, कहते जरूर है। अब बात आती है कि यूएन में बहुत खूबसूरत बात हुई है, और भारत की तरफ से जिस हिसाब से सर्वधर्म संभव का एक स्लोगन लगाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, और भारत जाना ही इसी चीज के लिए जाता है कि यहाँ पर हर एक धर्म का मान सम्मान बराबर है, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझा जाता है। और इसी का सबसे बड़ा मिसाल है कि भारत में आज भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसके साथ सौतेला सलूक किया गया है, एक भी मुसलमान या एक भी सिख या एक भी ईसाई या एक भी बौद्ध या एक भी पंजाबी ये नहीं कह सकता है कि उसके साथ सौतेला सलूक किया गया है। और आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन हमारे भारत में है, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हमारे भारत में है, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हमारे भारत में है, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मजार हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा इमामबाड़ा हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक प्रचार हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा गजबाए हिंद का नारा हमारे भारत में दारुल उलूम लगाता है, आपके पाकिस्तान में देवबंद जमात जितना खुल करके काम नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर हिंदू नहीं है, उससे ज्यादा खुल करके नंगा नाच कर करके देवबंद काम करता है। और देवबंद क्यों बना, हर एक देव के पूजने वाले लोगों को उनका उनकी पूजा बंद कराने के लिए देवबंद जमात बना। अब आती है बात कि मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं कि वाकई में क्रिश्चियनोफोबिया और इस्लामोफोबिया को खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर अगर मैं किसी के धर्म को मलाइन करने की अथॉरिटी ले रही हूं तो सामने वाला भी तो मेरे धर्म को मलाइन कर ही सकता है ना, कर ही सकता है। अगर मुसलमान ये कहते हैं अरे ये तो बुत परस्त है, तो भैया तुम किसके सामने माथा टेकते हो मजार में जाकर के, तुम ये भी तो बता दो, तुम भी तो माथा ही टेक रहे हो मजार में जाकर के। अगर कहता है मुसलमान अरे हिंदू लोग तो मूत्र पीता है, गौ की पूजा करता है, अरे भैया सही अल बुखारी में आप पढ़िए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊंट का दूध और ऊंट का मूत दोनों पवित्र है, दोनों पाक है, दोनों हराम है, पीजिए आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आप किस चीज से अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं मुसलमान, और किस चीज से दूसरे धर्मों को आप मलाइन कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पूजा की थाली लेकर के हिंदू जाता है और एक मूर्ति की पूजा करता है, तो आप भी तो शबे बारात में हलवा पका करके अगरबत्ती हलवा में डाल करके और आप उसके उसके भी आरती उतारते हैं, आप भी तो कर रहे हैं भैया। अगर अगर मुसलमान ये कहता है कि हिंदू जो है ना दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, तो आप भी तो शबे बारात और शबे कदर में पटाखा फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, हरी हरी लाइटें लगाते हैं, आप भी करते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है कि फूल चढ़ाता है जाकर के मूर्ति के ऊपर, तो आप भी तो मजारों में जाकर के फूल चढ़ाते हैं। अगर मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू क्या करता है, जाकर के माथा टेक रहा है, जाकर के तिलक लगा रहा है, तो क्या मुसलमान मजार में जाकर के सूखा सूखा गुलाब का फूल खाता नहीं है और लुपनदाना लेता नहीं है? लेता है भैया, मैंने अपनी नजरों से देखा है, मेरे पास वीडियोस है, और कोई मुसलमान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि वो अगरबत्ती की छाई को लेकर के अपने माथे पे लगाता है, सूखा गुलाब का फूल रुकुनदाने के साथ उसको खा लेता है। तो भाई आप किसको आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, किसको उंगलियां उठा रहे हो, ये बात तो समझनी पड़ेगी। अब भारत के मुसलमान क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग शांति दूत की फौज हैं, हम संविधान मानने वाले हैं, हम संविधान मानेंगे, हम संविधान से परे कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है भैया, संविधान मानेंगे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पर जैसे ही संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात कह दी जाती है, काहे को हाथ में पत्थर ले लेते हो तुरंत नाड़ा टाइट करके, काहे को ले लेते हो? जैसे ही भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाती है, वो काहे को नाड़ा टाइट कर लेते हो? जैसे ही भारत में कहा जाता है कि एक विधान और एक संविधान,
तब तो आप चिल्लाने लगते हो, हमको जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ चाहिए चाहिए, फिर चिल्लाने लगते हो कि नहीं हमको तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए चाहिए। क्यों चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम संविधान मानोगे और तुम शांति दूत हो, तुम्हारे इस्लाम का मतलब शांति का है, सुकून का है, तो फिर तुम हाथ में पत्थर काहे लेते हो, तो फिर तुम पैंट के जिप काहे खोलते हो? जैसे ही सनातनी बेटी नजर आती है, भारत में संविधान होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा आतंकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? भारत में संविधान होते हुए भी शरिया लॉ क्या कर रहा है? भारत में संविधान होते हुए भी वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? होना तो नहीं चाहिए। और जिसने ये सब बनाया है षड्यंत्र और साजिश के तहत में, वो तो अब निकल पड़ा, वो तो अब निकल पड़ा। 400 सीटें रखने वाला कांग्रेस की सरकार आज 40 में पहुंचा है। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद 15 भी पहुंच जाए तो फातिया पड़ेगी सोनिया गांधी, फातिया पड़ेगी लड्डू। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का ये दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि भारत का स्टांस यूएन में क्या रहा और नाजिया खान जी पर्सनली इस मुद्दे के बारे में क्या सोचती है। और ना ही सिर्फ उन्होंने भारत की बात की बल्कि पाकिस्तान को भी बीच में लपेट के जम के उधेड़ दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।